दो मिनट में स्कूल में रहना, बेहोश होके गिर गया, उठ रहा है बोल के बोले तो मैं गैंगिंग चक्कर आया बोल के बोले माँ। आदाब नाजरी, शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है, जो ये माँ अपने बेटे के लिए रो रही है। इसने अपने लख्त जिगर को खो दिया है, जिसकी वजह है स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही बताई जा रही है। यहाँ जुबली हिल्स पे वाक़ साई कुरपा नामी स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट, जिसका नाम मंजूर है, जो 10th क्लास का स्टूडेंट थे, आज उनका स्कूल में उनके दोस्तों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा काफ़ी बड़ा हो गया, जिसके चलते मंजूर को काफ़ी ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही मंजूर इस दुनिया को खराबात कर कर चले गए। देखिएगा मज़ीद तफसलात हमारी ये ख़ास रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। ये मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे को जानबूझ के करे सो है ये बच्चे, स्कूल के बच्चे नहीं, स्कूल वाले करे सो है, जानबूझ के करे सो है बच्चे को, मेरे बच्चों को जानबूझ के मारने लगाए सो है, मार मार के बच्चे को ख़त्म करे सो है। मेरे को इंसाफ चाहिए, नहीं बोले तो पूरे स्कूल की पूरी पाट लगाने वाला हूँ मैं। कितने साल का बच्चा था, उम्र क्या? 16 साल का बच्चा है मेरा। किस वजह से हुआ ये? ये बच्चे स्कूल में लड़ लिए सो है, बच्चे दो सात साल लड़ लिए सो है, ये लड़ लिए सो नहीं है, ये स्कूल वाले करे सो है, ये जानबूझ के स्कूल वाले करे सो है, लापरवाही से करे सो है। नहीं, अगर मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला बोल तो पूरी स्कूल की वार लगाने वाला हूँ। ऐसा क्यों लग रहा आपको कि ये स्कूल के तरफ से हुआ? फिर उसको क्या कर रहे? फिर इससे पहले कुछ कंप्लेंट आई थी, इससे पहले कंप्लेंट आई सो है, पहले से बच्चों को समझा रहे तो बच्चे नहीं समझे सो है, फिर जानबूझ के करे सो है। ये इंटरकाल बच्चे मार लेके हुआ सो है, और न्यूज में ऐसा, एक जना फुटबॉल खेल के, एक जना वॉलीबॉल खेल के, एक जना बैट बॉल खेल के मार लिया, एक जना पूरे न्यूज में पूरा फेक न्यूज सुना रहे जो है, ये होना बोल के जानबूझ के करे सो है ये 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 ये, ये इसका इसका इंतकाल हुआ कैसा? किस चीज से मार लगा बच्चे से? बेंच को बोल के बोल रहे, बेंच को या वो पाइप लेके मारे या बॉटल लेके मारे, क्या लेके मारे? अलग कोई चक्कर आके गिर गया बोल के बोल रहे, ऐसा गिरने से वैसा गिरने से बोल के बोल रहे नहीं। लेकिन ये बच्चे 4-5-6 जने मिल के बच्चे को खत्म करे सो है, ये जानबूझ के करे सो है, स्कूल में वाल कराए सो है, स्कूल से कराए सो है, ये कंप्लेंट दी आपको? जाओ स्कूल में, स्कूल के बारे में कंप्लेंट दिए सो है जुबली SPS में। पुलिस कुछ एक्शन ले? अभी तक क्या हुआ कुछ? नहीं, अभी FIR हुई अभी? नहीं भी होने वाली, FIR नहीं भी, अभी FIR नहीं भी, केस बुक कर दिए सो है। अच्छा, बच्चे को अभी कहाँ? उस्मानिया लेके गए सो है, पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया लेके गए सो है बच्चे को। हाँ, सो होने वाला है, स्कूल में CCTV अवेलेबल है? हाँ, पूरा है, पूरा अप टू डेट है, पूरा उसके अंदर CCTV में सब चीज़ है, पूरा हर चीज़ है। हाँ, MLA साहब से भी एक्शन लेने का, MLA साहब से बात करने का, MLA साहब भी आना है, MLA साहब आएंगे, MLA साहब को बुलाऊंगा, MLA साहब भी आएंगे यहाँ पे, MLA साहब से भी बात करना है। हाँ, तो देखिए हम न्यूज़ सुन के आए, यहाँ पर मासूम बच्चा है, बच्चे की जान तो वापस नहीं आती, यहाँ पर अच्छे से आज ये बच्चा हुआ, कल दूसरे बच्चे भी रहते, सबके बच्चों की जान, सबके माँ बाप के जिगर के टुकड़े हैं ये, और ये स्कूल वालों की गलती है, स्कूल वाले इस पर एक्शन नहीं लिए, और स्कूल वालों की भरपूर अंदाज से यहाँ पर गलती है। और यहाँ पर जब क्लास चल रहे तो यहाँ पर वार्डन रहना चाहिए, और यहाँ पर सार रहना चाहिए, यहाँ पर टीचर रहना चाहिए, यहाँ पर बहुत अच्छे अंदाज से गाइडिंग करना चाहिए। इतना बड़ा स्कूल चला रहे मैडम, इतना स्कूल बड़ा चला रहे, तो 30 साल से चला रहे, आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जो है यहाँ पर बहुत बड़ा हमारे साथ जो है अच्छा नहीं हुआ, नाइंसाफ़ी हो गई हमारे साथ बच्चों की, और यहाँ एक्शन लेना चाहिए, और स्कूल के स्कूल वालों की गलती है यहाँ पर। ठीक है, बेशक।